फरागोगी की गैर कानूनी दौलत छुपाने की चाल, गैर मारूफ मुल्क। वीना ताऊ का खुफिया पासपोर्ट बनवाया। खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट के लिए प्रॉपर्टी टाइकून ने बिजनेसमैन को $1,30,000 फराहम किए। तफसीलात मंजरेआम पर आ गई। जराए के मुताबिक खुफिया पासपोर्ट 28 मार्च 2022 को फरागोगी के हवाले किया गया। PTI हुकूमत जाने से 6 दिन पहले दुबई फरार कराया गया। लूटी गई रकम ठिकाने लगाने के लिए खुफिया दौरों और बैंक अकाउंट्स को पासपोर्ट पर मुमकिन बनाया गया। PTI दौर में फरागोगी की दौलत में 4,520 मिलियन इजाफा हुआ। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह KPK के निगरा वजीर आला होंगे। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नाम की तौसीक कर दी। निगरा वजीर आला आज ही ओहदे का हल्फ लेंगे। अरशद हुसैन के नाम पर महमूद खान और अकरम दुरानी ने इत्तफाक किया था। नामजद निगरा वजीर आला का ताल्लुक हजारा डिवीजन से है। पिशावर हाईकोर्ट के साबिक जज और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज रह चुके। निगरा वजीरे आला के मामले पर आईन ने जो रास्ता बनाया उस पर अमल किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन की तारीख आ चुकी, मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते थे। आईन के मुताबिक नए वजीरे आला का इंतखाब 3 रोज में करना था। किसी को माइनस करना नून लीग के एजेंडे में नहीं, सियासी जमातों से इत्तेहाद पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगा। ख्वाजा साद रफीक का ऐलान, कहा समाजी और सियासी राबते जारी रहेंगे, इंतखाबात के बाद अच्छा माहौल बनना चाहिए। अय्याज सादिक बोले नवाज शरीफ 14 नवंबर को क्वेटा जाएंगे। JUIFA का इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का इंदिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले अब तक किसी पार्टी से इत्तेहाद का नहीं सोचा, सिंध में GDA अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं, बलूचिस्तान में नून लीग से सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, 2018 वाला इंतखाब कबूल नहीं करेंगे, सख्त मजाहमत करेंगे। इसराइल गजा के अस्पतालों पर हमलावर, अलशिफा अस्पताल का घेराव सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद। अस्पताल मैदान जंग में तब्दील, बाहर जाने वालों पर गोलियों की बौछार। अस्पतालों को फाल रखना मुमकिन नहीं रहा। तुर्क दोस्ती अस्पताल में कैंसर के कई मरीज इलाज न होने पर जां बहक। इंटरनेट ब्लैकआउट के बायस 2 दिन से शहदा और जख्मियों के अदादो शुमार जमा नहीं हो सके। कम उम्र ड्राइवर की संगीन गफलत से हस्ता बस्ता घर मातम कदा में तब्दील। लाहौर में करतब दिखाती बेकाबू कार की दूसरी गाड़ी को टक्कर, 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद की जिंदगी का चराग गुल। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। और वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मैच, भारत की नीदरलैंड के खिलाफ बैटिंग। भारत मेगा इवेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त है, सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर चुका।